out again. सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिलहाल अभी बज रहा है सुबह के 3:47 सुबह के, अभी 4:09 सुबह के। अभी तो आज लेट ही हो गया, प्लान और सुबह उठने का था। तो मतलब प्लान ये था कि हम लोग को जाना अभी 3 बजे भोर, मतलब हम लोग पहले मैंने सोचा था नाइट आउट मारने के लिए, नाइट आउट अपने बस की बात नहीं है कि रात को जाओ घूमो फिरो, रात को सोना होता मुझे। फिर मैंने सोचा कि नहीं सुबह हम जल्दी चलते हैं, और मैंने रील वील पर देखा है थोड़ा, एक KGMU पे एक मैगी मिलती है जो रात भर मिलती है, मैगी बड़ी फेमस है। तो मैगी खाना मेन मोटिव नहीं है, मेन मोटिव है बस ऐसे व्लॉग बनाना, थोड़ा घूमना, थोड़ा रात का थोड़ा सा मतलब रात को थोड़ा घूमना। तो इसमें सुबह जल्दी चलते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि सुबह जल्दी चल के भी हम लोग रात का मज़ा ले सकते हैं। तो इसीलिए अभी जा रहे हैं हम लोग, 3 बजे जाने वाले थे लोग, बट लेट हो गया थोड़ा सा, नींद ही नहीं खुली। तो 3:30 हो गए, अभी उठा हूँ मैं, अभी तैयार करूँगा और फिर निकलते हैं और चलते हैं मैगी खाने और मतलब ऐसे ही घूमने फिरने। तो भाई सीन है कुछ ऐसा कि दिमाग हो चुका है मेरा ख़राब बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक महीना जो ख़राब चल रहा था एग्ज़ाम की वजह से, तो चलो एग्ज़ाम होते रहते हैं, और जो कि परमानेंट ख़राब रहता है मेरे कॉलेज की वजह से। तो अब ज़रूरत है मुझे मेंटल पीस की। तो अब मैंने ये सोचा है कि अब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, एक महीना पूरा एग्ज़ाम में झोंक दिया मैंने, एक महीना कुछ खास ब्लॉग व्लॉग कुछ भी नहीं, वीडियो वीडियो के बारे में कुछ नहीं। तो अब मैंने ये सोचा कि 4-5 महीने हैं जो अब जो अगले 4-5 महीने हैं जिसके बाद फिर से एग्ज़ाम आएगा, उस 4-5 महीने में खूब अच्छे से व्लॉग करने को, वीडियोज़ वगैरह बनाने को, तब जाके मुझे मिलेगा मेंटल पीस। और कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, जो कॉलेज के बारे में सोच रहा हूँ मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, बताऊँगा अपने हालत जो मेरी हो रही है कॉलेज के वजह से। तो अभी इस वीडियो में तो नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल अभी तैयार हो चुका हूँ, निकलते हैं। गौरांग भी है, बैठा हुआ है, तो गौरांग भी जा रहा है मेरे साथ में। गौरांग है तभी उन्हें जा रहा, अकेले तो मैं जाता भी नहीं। तो अभी चलते हैं फटाफट, और लेंस में चेंज कर देता हूँ ताकि अगर कहीं सिनेमैटिक मिले तो 50mm से ले लेंगे और ब्लॉग फ़ोन से कर लेंगे, और नहीं तो फिर ब्लॉग कहीं करना होगा तो चल लेंस चेंज कर देंगे। तो चलो चलते हैं फटाफट, 4 बज चुके वैसे। चलो निकले थे 4 बजे और 4:30 बज चुका है, गौरांग को लग रही है ठंड हाफ पहना है, तो पीछे है और KGMU आ चुके हैं हम लोग, लेकिन वो मैगी वाली आंटी मिल रही नहीं, मैगी मिले कहाँ पे अरे रील में बड़ा फेमस है। अभी मेरा मेन मोटिव मैगी खाना नहीं है, मेन मोटिव था तो वैसे ही घूमना। इधर सब पान गुटखा का दुकान है, सब खाली पान गुटखा। बाप रे, हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं तो यहीं से कैंसर करवा के। ये देखो ये है मेन गेट KGMU का, जो मेरा अंदाजा था रास्ता वाला बिल्कुल सही था। सोचो गूगल कितना घुमा के लेके जा रहा था, 10 किलोमीटर और 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर में हम पहुँच गए। अब पता होगा जो गूगल भरोसा रहा तो मेरा तो पेट्रोल तो खाली हो जाता जाने से पहले ही, जरिए फिर से भराना पड़ जाता मेरे को। चलो आप लग रहा है लखनऊ में आके कुछ फ़ायदा होगा, एक साल रहने का बड़ा रास्ता याद हो गया। अगर मैगी वाली आंटी नहीं मिलेंगी तो पिज़्ज़ा मिल रहा है इस समय, पिज़्ज़ा खा के चल चलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। प्री वर्कआउट में आज मैगी नहीं तो पिज़्ज़ा चलेगा, और चल के आज शोल्डर बढ़िया से करेंगे। तो चलते हैं कैमरा बैग में, लेंस चेंज करूँगा फिर ब्लॉग करने को, पहले नहीं तो लाइट तो अच्छी है ब्लॉग में भी ना। काफ़ी भीड़ है तब तो चालू ही जगह हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है। और फिर मैंने देखा कि फ़ोटो लेने के लिए फ्रेम बहुत अच्छा बन रहा था, मतलब एक ही फ्रेम में चांद भी आ रहा था, मस्त लाइटें आ रही थी, खाली खाली रोड आ रहा था, तो मुझे लगा फ्रेम अच्छा है फ़ोटो खींचने के लिए। तो हम लोगों ने ट्राई किया फ़ोटो खींचने के लिए। तो अब जैसा कि हम सुबह सुबह उठ गए थे तो कुछ खास अच्छा फ़ोटो आने रहा था, क्योंकि अब सुबह ब्रश भी नहीं किया था, मुँह में पानी वानी बस मार के ऐसे ही चले गए थे हम लोग।
तब जैसा कि मैगी वाली आंटी मिली नहीं तो हम लोगों को पिज़्ज़ा दिख गया था आते वक्त ही, भाई सुबह सुबह पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं, वो भी बहुत ही मिनिमम प्राइस 60 रुपये में हम लोग को पिज़्ज़ा मिल गया, वेज पिज़्ज़ा, वेजीज पिज़्ज़ा ऐसे ही करके कुछ था। हम लोगों ने खाया मस्त पिज़्ज़ा और एक मेरे को रील का एक शॉट लेना, रील का तो नहीं मतलब ऐसे ही मैं रैंडम ले रहा हूँ, अगर अच्छा लगा तो रील में डाल देंगे और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे है अभी एकदम चौराहे से, जैसे ही आप आगे आओगे पीछे चौराहा से तभी है यहीं पे स्पेशल पिज़्ज़ा डे करके। तो जैसा कि मैंने कहा था, मेरा मेन मोटिव मैगी खाना नहीं था, तो मैगी वाली आंटी ढूंढने में बड़ा मशक्कत था, मैं समझ ही नहीं रहा था कौन मैगी वाला, खाली गुटका वाला दिख रहे थे। और अभी टाइम हो चुका है 5:17 और अभी अंधेरा ही है थोड़ा थोड़ा। मैंने सोचा कि ये कुड़िया घाट है, गौरांग ने कुड़िया घाट कभी देखा नहीं है, अच्छा गौरांग घुमा देते हैं, कुड़िया घाट घूम लेते हैं थोड़ा, चलते हैं आगे से घूम के फिर आ जाएंगे कुड़िया घाट से। अब सब सुबह होगा तब तक रूम पे निकलूंगा मैं, अब जाऊंगा सीधे, तो सोच रहा हूँ मैं जाके जिम चला जाऊंगा और जो गौरांग को इधर से पॉलिटेक्निक में छोड़ दूंगा तो ये चला जाएगा अपने रूम पे और मैं चला जाऊंगा अपने रूम पे, फिर जाके चेंज करके जिम चला जाऊंगा ताकि जिम से आऊँ तो थोड़ा सो सकूँ, फिर वीडियो एडिट कर लेंगे हम लोग। तभी वहाँ से उधर से होने वाला सनराइज़, अब इधर से इधर से किधर से होता है मेरे को पता नहीं है, ईस्ट किधर है, प्रॉपर ईस्ट किधर है, मेरे रूम से सीधा नहीं पड़ता, टेढ़ा ही सनराइज़ होता है। और बाकी यहीं पे मैंने रील बनाया था अपना इसी वाले पे, मतलब लाल लाल मस्त दिख रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग बढ़ रहे हैं अपने रूम की तरफ, लेकिन दिमाग में ख्याल ये आ रहा है कि कुछ कहीं अच्छा सा कुछ खाने को मिल जाए थोड़ा और मज़ा आ जाता थोड़ा सुबह सुबह। पिज़्ज़ा तो खा लिया बट जलेबी उलेबी मिल जाए मस्त है, जलेबी कोई अच्छा सा जलेबी की दुकान पता ही नहीं यहाँ लखनऊ में, देखते कहीं अगर अच्छा जलेबी दिखता है तो खाएंगे और नहीं तो चलेंगे रूम में चलेंगे सीधे। तो अभी आ चुका मैं पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक चौराहा और पीछे गौरांग ऑटो पकड़ के जा चुका, अब मैं जा रहा हूँ रूम पे अपने, कुछ खाने को तो मिला नहीं भाई, पिज़्ज़ा खा गया बोलो, जा रहा रूम पे। फ़ोन से काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ रही है सुबह से, जो लाइटनिंग अच्छी है तो बाकी गया गौरांग ऑटो गया, चलते हैं अब। बाकी इसमें सुबह सुबह ठंड भी लग रही है, जब आ रहे हम लोग तब भी ठंड लग रही थी, अभी ठंड लगेगी। 4 हम लोग गए थे और 6:02 हो रहे हैं, आ चुका हूँ मैं रूम पे, 6 आ गया था वैसे तो, और अब मैं सोच रहा हूँ जिम जाने के लिए। तो जिम जाने के लिए मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि पहले तो एक चीज़ और मैं कर सकता हूँ कि मैं अभी थोड़ा सो लूँ, बट मैं सो नहीं रहा हूँ इसलिए कि अभी अगर मैं सोऊंगा तो दो घंटे तो आराम से सोऊंगा, फिर उठूंगा, फिर कॉफ़ी बनाऊंगा, आधे घंटे वेट करूंगा, फिर जिम जाऊंगा, फिर जिम जाकर 2 ऐसे करते करते मैं 10-11 ऐसे बच जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कितना टाइम वेस्ट हो वो मैं अच्छा सोच रहा हूँ। अभी मैं 6 रहा हूँ, कॉफ़ी पी लूँगा, 6:30 तक मैं जिम चला जाऊँगा, 6:30 में जिम जाके आराम से 8-8 तक आ जाऊँगा जिम से, जिम से आके मन करे तो थोड़ा सो लूँगा, सोने के बाद से फिर वीडियो एडिट कर लूँगा, तो इस वीडियो को आज ही पब्लिक भी कर दूँगा अपलोड करके, तो मेरा ये प्लानिंग है, तो उससे मेरा टाइम काफ़ी बच जाएगा, सोना भी हो जाएगा और टाइम बच जाएगा, और जिम से आने के बाद से ज़्यादा थकान होती है तो उससे ज़्यादा सोना ज़रूरी होता है। तभी फिलहाल मस्त कॉफ़ी पीते हैं अपना बना के और जिम निकलते हैं। तो कॉफ़ी तो अपनी तैयार हो गई, तो अब ब्लॉग को एंड ही करूँगा मैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो चलेगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अब ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, मतलब हर वीडियो में यही कहता हूँ कि अब ब्लॉग आएंगे बट आते नहीं है, बट अब लिटरली मैं आएंगे 4-5 मेरे को बहुत अच्छे से ब्लॉगिंग करनी है और किसी लेवल तक पहुँचना है, क्योंकि भाई जो कॉलेज है ना मेरा, कॉलेज में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, खास करके जब से नया प्रिंसिपल आया तब से भाई कसम से नाक में दम हो गया बिल्कुल। अगर किसी दिन मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा अपने कॉलेज को डिस्क्राइब करके क्या क्या दुख हो रहा है मुझे, मतलब डिप्रेशन में जा जाऊँगा अपने कॉलेज की वजह से, कभी कभी तो इतना दिमाग ख़राब होता मन करता छोड़ छाड़ के सब चला दो, बट ठीक है इस वीडियो में नहीं, अगले किसी वीडियो में बात करूँगा कॉलेज के बारे में अपने, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।